नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल नी अंदर। हवे धोरण आठ नी अंदर विज्ञान विषय में जे काई सेमेस्टर एक ना एक थी नौ पार्ट है ये दरेक पार्ट ने लगता मोस्ट टाइम पर प्रश्न जवाब है। एमां विकल्पो जे छे ए खास करीने पूछाता होय एवा दरेक प्रश्नना अहीं आपणे प्रश्नना उत्तर सहितनी चर्चा करवाना छीए। तो वीडियो अंत सुधी जोजो, वीडियो गमे तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर वीडियो शेयर करजो। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करेल तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लेजो और बेल आइकन पर बाजू में क्लिक कर देंजो जी नवा जेटला वीडियोस मुकाय नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। अलग अलग आवा वीडियोस घणा बधा चेनल पर मुकाता रहेशे माटे चेनल में आवा तमारा प्लेलिस्ट सहित वीडियोस छे तमने दरेक पार्टना जोवा मळशे। उपर चेनल में वीडियो सेक्शन बाजू में प्लेलिस्ट में जाशो ने त्यां तमने स्टैंडर्ड एट नू साइंस नू प्लेलिस्ट जोवा मळशे। एमां बधा वीडियोस बीजा पण छे दरेक पार्ट ने लगता, तो एवा अलग अलग वीडियोस ए पण जोई लेजो न जोया होय तो बराबर। चलो पहेलो पाठ आवे छे एमां धोरण आठ नी अंदर विज्ञान में पाक उत्पादन अने व्यवस्थापन एमना एमसीक्यू पहेला जोईए। पहेलुं छे खरीफ पाक कई ऋतु में लेवामां आवे छे, तो खरीफ पाक छे चोमासामां लेवामां आवे छे, तो जवाब में सी ऑप्शन आवशे। बीजू छे रवि पाक कई ऋतु में लेवामां आवे छे, तो रवि पाक शियाळामां लेवामां आवे छे, ए ऑप्शन आवशे जवाब में। त्रीजू छे खाली जग्याए खरीफ पाक छे, तो मगफळी खरीफ पाक छे एटले जवाब में ए ऑप्शन आवशे। चौथुं छे माटीने ऊपर नीचे ने पोची करवानी क्रियाने शुं कहेवाय छे, तो माटीने ऊपर नीचे ने पोची करीए एने खेडाण कहेवाय, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे। पांचमुं छे नींदणने दूर करवा माटे नीचेनामांथी क्यूं साधन वपराय छे, तो नींदणने दूर करवा माटे करपियो साधन वपराय छे, तो डी ऑप्शन आवशे एमां। छठू छे ट्रेक्टर थी खेड करवा क्यूँ साधन वपराय छे, तो ट्रेक्टर थी खेड करवा माटे दाती वपराय छे, तो जवाब में ए ऑप्शन आवशे। सातमुं छे नीचेनामांथी क्यूँ कुदरती खातर छे, तो कुदरती खातर छाणियुं खातर छे, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे। आठमुं छे नीचेनामांथी क्यूँ कृत्रिम खातर छे, तो कृत्रिम खातर यूरिया छे, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे। नवमुं छे राइजोबियम बेक्टेरिया द्वारा वनस्पति में क्या वायुनु स्थापन थाय छे, तो राइजोबियम बेक्टेरिया द्वारा वनस्पति में नाइट्रोजन वायुनु स्थापन थाय, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे। दसमुं छे वनस्पति में लगभग केटला टका पाणी होय छे, तो वनस्पति में लगभग 90% पाणी होय छे, एटले जवाब में डी ऑप्शन आवशे। अग्यारमुं छे आधुनिक सिंचाई पद्धति कई छे, तो आधुनिक सिंचाई पद्धति फुवारा पद्धति छे, तो जवाब में डी ऑप्शन आवशे। बारमुं छे नीचेनामांथी कई पद्धति में पाणीना छंटकाव द्वारा पियत थाय, तो फुवारा पियत पद्धति थाय, तो एमां ए ऑप्शन आवशे। तेरमुं छे कई पद्धति में छोड़ने टीपे टीपे पाणी मळे, तो एमां टपक सिंचाई पद्धति एमां बी ऑप्शन आवशे। चौदमुं छे घऊंना मुख्य पाक साथे नीचेनामांथी क्यूँ नींदण छे, तो मगफळी तुवेर ने चणा बराबर ए मुख्य पाक साथे नींदण उगतुं होय, तो जवाब में डी ऑप्शन आवशे आपेल तमाम। पंदरमुं छे लणणी पद्धति कई रीते करवामां आवे छे, तो लणणी करवा माटे उखाड़ीने दातरडाथी ने हार्वेस्टर त्रणेय रीते थाय, एटले जवाब में डी ऑप्शन आवशे तमाम। सोळमुं छे मुख्य पाक में नींदण दशामां भाग पड़ाव छे, तो नींदण छे पोषक द्रव्यो में पाणी में सूर्यप्रकाश त्रणेय में भाग पड़ाव छे, एटले जवाब में डी ऑप्शन आवशे तमाम। सत्तरमुं छे कोठार में अनाजनो संग्रह कोनाथी रक्षण मेळवा करवामां आवे छे, तो कीटक द्वारा पक्षी द्वारा उंदर द्वारा त्रणेय द्वारा करवामां आवे छे, एटले जवाब में डी ऑप्शन आवशे तमाम। अठारमुं छे घरगथ्थु अनाजना संग्रह माटे कोना पाननो उपयोग थाय, तो लीमड़ाना पाननो उपयोग थाय छे, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे लीमड़ाना पान। ओगणीसमुं छे समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहता लोकोना मुख्य आहार खाली जगह छे, तो एमनो मुख्य आहार माछली होय छे, तो जवाब में सी ऑप्शन आवशे। वीसमुं छे भारतना बधा ज भागना खेडूतो क्यों समय ने हर्षोल्लास तेमज खुशीनो होय छे, तो लणणीनो समय छे हर्षोल्लास अने खुशीनो होय छे, एटले जवाब में ए ऑप्शन आवशे। त्यार पछी बीजो पाठ आवे छे सूक्ष्मजीवो मित्र अने शत्रु, एमना एमसीक्यू जोईए। पहेलो विकल्प छे सूक्ष्मजीवोने जोवा माटे नीचेनामांथी क्या साधनो उपयोग थाय, तो सूक्ष्मजीवोने जोवा माटे सूक्ष्मदर्शक यंत्रनो उपयोग थाय, तो जवाबमां बी ऑप्शन आवशे। बीजुं छे मलेरिया क्या सूक्ष्मजीव द्वारा फैलाय छे, तो मलेरिया छे ए प्रजीव द्वारा फैलाय छे, तो एमां बी ऑप्शन आवशे। त्रीजुं छे दूधमांथी दही बनवा माटे जवाबदार बेक्टेरियानुं नाम शुं छे, तो एनो बेक्टेरियानुं नाम छे लेक्टोबेसिलस, एमां ए ऑप्शन आवशे। चौथुं छे नीचेनामांथी क्या रोग वायरस द्वारा फैलाय छे, तो एना जवाबमां सर्दी इन्फ्लुएन्ज़ा अने उधरस बताय छे, तो डी आવશે આપેલ તમામ। પાંચમું છે નીચેનામાંથી કયા પ્રજીવનો આકાર છે એ ચંપલના તળિયા જેવો હોય છે, તો ચંપલના તળિયા જેવો આકાર છે પેરામિસિયમનો છે, એટલે એમાં બી ઓપ્શન આવશે। છઠ્ઠું છે સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી શેમાં થાય છે, તો દહીં બનાવવા બ્રેડ બનાવવા કેક બનાવવા ત્રણેયમાં થાય છે, એટલે આપેલ તમામ આવશે।
सातमो छे नील हरित लील वातावरण माथी शेनु स्थापन करे तो नाइट्रोजन नु स्थापन करे एटले एमां ए ऑप्शन आवशे। आठमो छे कोलेरा नो रोग क्या सूक्ष्म जीव द्वारा थाय छे तो बेक्टेरिया द्वारा थाय छे एटले एमां सी ऑप्शन आवशे। नवमो छे ईस्ट नो उपयोग नीचेनामांथी कोना उत्पादनमां थाय तो आल्कोहोल ना उत्पादनमां थाय छे एटले एमां बी ऑप्शन आवशे। दसमो छे आल्कोहोल नु उत्पादन खाली जग्याની મદદથી કરવામાં આવે છે તો એમાં ઈસ્ટ આવશે જવાબમાં એ ઓપ્શન આવશે। અગિયારમો છે નીચેનામાંથી ક્યુ એન્ટીબાયોટિક્સ છે તો સ્ટ્રેપ્ટોમાયસિન છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ છે એટલે જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે। પછી બારમો છે મેલેરિયા થવા માટે જવાબદાર પ્રજીવનું વાહક ક્યુ છે તો મેલેરિયા થવા માટે મચ્છર છે એ વાહક છે એમાં એ ઓપ્શન આવશે। તેરમો છે ચેપી રોગોનો મુખ્ય વાહક છે ક્યુ તો કે માખી એટલે જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે માખી। ચૌદમો છે બ્રેડ અથવા ઇડલીની કણક ફૂલવાનું કારણ શું છે તો એમાં આવશે ઈસ્ટ કોષોની વૃદ્ધિ એમાં સી ઓપ્શન આવશે। પંદરમો છે નાઇટ્રોજનના સ્થાપન માટે કયા બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે તો એમાં જવાબમાં આવશે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા એ ઓપ્શન। સોળમો છે પેનિસિલિન રસીના શોધક કોણ હતા તો પેનિસિલિન રસીના શોધક હતા એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ માં બી ઓપ્શન આવશે। સત્તરમો છે નીચેનામાંથી ક્યુ સજીવ છે એ આકાર ધરાવતું નથી તો એના જવાબમાં આવશે એ ઓપ્શન અમીબા। અઢારમો છે શર્કરા ખાંડનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે તો એને આથવણ કહેવાય એટલે સી ઓપ્શન આવશે। ઓગણીસમું છે નીચેનામાંથી કઈ એન્ટીબાયોટિક દવા છે તો સ્ટ્રેપ્ટોમાયસિન ટેટ્રાસેક્લિન એરિથ્રોમાયસિન ત્રણેય છે જવાબમાં ડી ઓપ્શન આવશે આપેલ તમામ। વીસમું છે સિત્રાની રસીના શોધક કોણ હતા તો સિત્રાની રસીના શોધક હતા એડવર્ડ જેનર એટલે જવાબમાં આવશે બી ઓપ્શન એડવર્ડ જેનર। એકવીસમું છે આથવણની પ્રક્રિયાની શોધ કોણે કરી હતી તો એને કરી હતી લુઈ પાસ્વર અને એમાં ડી ઓપ્શન આવશે। બાવીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ ચેપી રોગ છે તો એમાં કોલેરા આવશે એ ઓપ્શન કોલેરા। ત્રેવીસમું છે ડેન્ગ્યુના રોગ માટે વાહક કયું છે કોણ છે તો ડેન્ગ્યુના રોગ માટે વાહક છે મચ્છર એમાં સી ઓપ્શન આવશે। ચોવીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ વાયરસ દ્વારા ફેલાતો નથી તો કોલેરા છે વાયરસથી નથી ફેલાતો એટલે એમાં એ ઓપ્શન આવશે। પચીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ બેક્ટેરિયા દ્વારા ફેલાય છે તો એના જવાબમાં આવશે ટીબી એ ઓપ્શન। છવ્વીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ પ્રજીવ દ્વારા ફેલાય છે તો એના જવાબમાં આવશે ડી મેલેરિયા જે પ્રજીવથી ફેલાય છે। સત્યાવીસમું છે હિપેટાઇટિસ એ રોગ કયા સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા ફેલાય તો એના જવાબમાં આવશે વાયરસ બી ઓપ્શન। અઠ્યાવીસમું છે બેસિલસ એન્થ્રેસિસ નામના બેક્ટેરિયાની શોધ કોણે કરી હતી તો રોબર્ટ કોસે કરી હતી એ ઓપ્શન આવશે। ઓગણત્રીસમું છે એન્થ્રેક્સ રોગ કયા સજીવમાં જોવા મળે છે તો એમાં સી ઓપ્શન આવશે એ અને બી બંને। ત્રીસમું છે સાઇટ્રસ કેન્કર રોગ સાઇટ્રસ કેન્કર રોગ છે એ કયા સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા ફેલાય છે તો એમાં જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે બેક્ટેરિયા। એકત્રીસમું છે ઘઉંનો રસ્ટ કયા સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા ફેલાઈ શકે તો એના જવાબમાં બી ઓપ્શન આવશે ફૂગ। બત્રીસમું છે ભીંડાનો પિત્ત એટલે કે ઓકરા કયા સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા ફેલાય છે એના જવાબમાં આવશે વાયરસ ડી ઓપ્શન। તેત્રીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ વનસ્પતિજન્ય નથી તો કોલેરા રોગ છે વનસ્પતિજન્ય નથી એટલે એમાં ડી ઓપ્શન આવશે। ચોત્રીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ વનસ્પતિજન્ય છે તો એના જવાબમાં આવશે ઘઉંનો રસ્ટ સી ઓપ્શન। પાંત્રીસમું છે નીચેનામાંથી કયો રોગ માનવ રોગ છે તો સાઇટ્રસ કેન્કર છે એ માનવ રોગ છે એમાં ડી ઓપ્શન આવશે। બરાબર માનવ રોગ નથી એવો તો એમાં સાઇટ્રસ કેન્કર અહીંયા નથી એવું આવશે બરાબર માનવ રોગ નથી। બાકીના ઓરી અછળબળાન કેન્સર છે એ છે એમ આ ત્રણેય છે માનવ રોગ નથી એમાં સાઇટ્રસ કેન્કર। છત્રીસમું નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પ્રિઝર્વેટિવ છે તો એમાં કમળો છે એક પ્રકારનો પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે વાપરી શક્યા। સાડત્રીસમું જે પેસ્ચ્યુરાઇઝ દૂધને કોટલા તાપમાન સુધી ઉકાળવામાં આવે તો એમાં 30°C એમાં 70°C પણ આવે બરાબર। પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન પ્રક્રિયા કયા વૈજ્ઞાનિકે શોધી હતી એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે શોધી હતી એમાં એ ઓપ્શન। ઓગણચાલીસમાં વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન કેટલા ટકા રહે છે તો 78% એટલે એ ઓપ્શન। ત્રીજો પાઠ આવે છે સંશ્લેષિત રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક। પહેલું છે એમાં રેસાના કેટલા પ્રકાર છે તો રેસાના મુખ્ય 4 પ્રકાર છે એટલે એમાં ડી ઓપ્શન આવશે 4। પછી બીજું છે પોલિમર કઈ ભાષાનો શબ્દ છે તો પોલિમર ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે એટલે એમાં એ ઓપ્શન આવશે ગ્રીક। ત્રીજું છે કપાસ છે ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખાતો પોલિમર છે તો કપાસ છે સેલ્યુલોસ તરીકે ઓળખાતો પોલિમર છે એટલે એમાં જવાબમાં આવશે સી। ચોથું છે નીચેનામાંથી કયું કૃત્રિમ રેસા છે તો નાયલોન રેસા કૃત્રિમ રેસા છે એટલે એમાં ડી ઓપ્શન આવશે। પાંચમું છે પીવીસીનું પૂરું નામ શું થાય તો પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ થાય છે પીવીસીનું પૂરું નામ
जवाब में सी ऑप्शन। छठू नीचे क्यू रेसा लाकड़ा मव में बने तो रेयोन है लाकड़ा मव में बने जवाब में सी ऑप्शन। सातमु नीचे क्यू कापड़ सरलता जोड़ाई जत नहीं तो यहाँ पॉलिएस्टर सरलता जोड़ाई जत नहीं ऑप्शन। आठमु नीचे क्यू पेरासूट ने स्टॉकिंग जो वस्त्र की बनावट में वपराय जाए तो जवाब में आवश्यक नाइलॉन डी ऑप्शन। नवमु नॉन स्टिक कूकवेर बनावट में क्या रेसा उपयोग थे तो जवाब में टेफ्लॉन बी ऑप्शन। दसमु सूत्रा कापड़ विघटन थाना अंदाजित समय के हो तो अंदाजित समय हो पांच महीना एम सी ऑप्शन। अग्यारमु ऊनना कपड़ा विघटन थाना अंदाजित समय के हो तो ऊनना कपड़ा विघटन थाना अंदाजित समय है लगभग एक वर्ष बी ऑप्शन। बारमु लाकड़ा विघटन थाना अंदाजित समय के हो तो लाकड़ा विघटन थाना अंदाजित समय है दस थी पंदर वर्ष ए ऑप्शन आ। तेरमु प्लास्टिक ने गर्मी आपता सरलता पीगड़ी जाए तो क्या प्रकार प्लास्टिक कही सकिए तो ये कहवाई थर्मोप्लास्टिक एम ए ऑप्शन आ थर्मोप्लास्टिक। चौदमु प्लास्टिक ने एक बार कोई आकार में ढाड़िया पछी गरम कर नरम कर सकात नहीं एवं प्लास्टिक ने केवु कहवाई तो यहाँ आ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। त्यार पछी आ पंदरमु प्लास्टिक उष्मा विद्युत खाली जगह हो तो प्लास्टिक उष्मा विद्युत के अवाहक हो जवाब में ए ऑप्शन आ। सोलमु क्या प्रकार प्लास्टिक ने रिसाइकल कर सकते तो थर्मोप्लास्टिक ने सरलता रिसाइकल कर सकते ए ऑप्शन आ। सत्तरमु फायरमेन यूनिफॉर्म ने अग्निरोध अवरोधक बनावा शेन पर चढ़ा तो मेलामाइन पर चढ़ा तो जवाब में बी ऑप्शन आशे। अठारमु सूत्रा कापड़ विघटन कई क्रिया वे थे तो जे विघटनीय रीते सूत्रा कापड़ विघटन थे एट ए ऑप्शन आ। ओगणीसमु प्लास्टिक ने थैली विघटन कई क्रिया वे थे तो प्लास्टिक ने थैली विघटन है जे अविघटनीय रीते थे तो यहाँ जवाब में बी ऑप्शन आ। वीसमु पॉलिथीन में क्या हाइड्रोकार्बन पदार्थ रहे है तो पॉलिथीन में इथिन नाम हाइड्रोकार्बन रहे जवाब में बी ऑप्शन आ। पार्ट चौथो आए थे धातु और अधातु तो एम एम सीक्यू जो है पेलू है जे गुणधर्म ने लीधे धातु ने टीपी ने पातला पतरा बनाई सकते शूँ कहवा तो टीपी ने पातला पतरा बनाई सकता है गुणधर्म है टीपापणू तो एम ए ऑप्शन आशे। बीजू है जे गुणधर्म ने लीधे धातु ने खेची ने तार बनाई सकाता होने शूँ कहवाई तो यह जवाब में बी ऑप्शन आ तनावपणू। तीजू है नीचे क्यों पदार्थ है विद्युत सुवाहक हो तो खीली है विद्युत सुवाहक है एना जवाब में ए ऑप्शन आशे। चौथु है कई धातु सामान्य तापमाने प्रवाही स्वरूप में मड़ी आए तो पारो है सामान्य तापमाने प्रवाही स्वरूप में जवाब मे जवाब में सी ऑप्शन आशे पारो। पांचमु तांबाना वसणों में लीलास पड़ता दबाव शूँ जवाब मे तो तांबाना वसण में लीलास पड़ता दबाव है यहाँ काट जवाब मे तो जवाब में सी ऑप्शन आ काट। छठू है मेग्नेशियम की पट्टी दहन थी मलती राख की प्रकृति कई हो तो प्रकृति हो बेजिक एने जवाब में बी ऑप्शन आ। सातमु सल्फर और ऑक्सिजन की प्रक्रिया की बनती निपज शू है तो सल्फर और ऑक्सिजन की प्रक्रिया की बनती निपज ने सल्फर डायऑक्साइड कहवाई डी ऑप्शन। आठमु अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कई हो तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति एसिडिक हो ऑप्शन। नवमु कई धातु पानी साथ खूब जलद प्रक्रिय प्रतिक्रिया आपे तो यहाँ जवाब में आ सी ऑप्शन सोडियम। दसमु हवा में वधु सक्रिय अधातुओं संग्रह सेमा करवामां आवे छे तो यहाँ जवाब में आ सी ऑप्शन पानी। अग्यारमु धातुओं एसिड साथ प्रतिक्रिया करता क्यों वायु पोप अवाज साथ उत्पन्न थाय जवाब में आ डी ऑप्शन हाइड्रोजन। बारमु नीचे अधातु क्यू है तो यहाँ जवाब में आ कार्बन। तेरमु पदार्थों खाद्य पदार्थों ने पैक करने क्या धातु की फॉइल वपराय तो यह जवाब में सी ऑप्शन एल्युमिनियम। चौदमु नरम तथा चप्पाथी कापी शकाय तेवी धातु कई है तो यह जवाब में सी ऑप्शन पोटेशियम। पंदरमु खातरो बनावा शूँ वपराय तो खातर बनावा अधातु वपराय जवाब में बी ऑप्शन आ। सोलमु धातु उपयोग शूँ बनावा थाय तो धातु उपयोग यंत्रों बनावा थाय तो जवाब में ए ऑप्शन आ। सत्तरमु अधातुओं उपयोग खाली जगह तरीके घा पर लगाड़ा आए तो एंटीसेप्टिक तरीके घा पर लगाड़ा जवाब में बी ऑप्शन आ। तो मित्रों आ था अलग अलग एक थी चार पार्ट ने लगता एमसीक्यू विकल्पों जो आना दरेक परीक्षा की अंदर तमने उपयोगी थे। बाकी पार्ट बीजो वीडियोस है ये तब जो लेजो बराबर सेमेस्टर एक ने लगता जो पार्ट है यहाँ बाकी पांच थी नौ पार्ट है एम वीडियो तमने जोवा मळशे तो ये पण जोई लेजो। ऊपर चैनल में प्लेलिस्ट में जासो प्लेलिस्ट अंदर स्टैंडर्ड एट साइंस नू प्लेलिस्ट है एमनी अंदर
आ दरेक पार्ट ने लगता वीडियोस तमने त्यां जोवा मळशे। आना दरेक परीक्षा की तैयारी करता हो एना माटे उपयोगी थशे। वीडियो गमे तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पर वीडियो जरूर थी शेर करजो एटले एमने पण उपयोगी थाय, कई रीतना प्रश्नों जवाब छे ए पूछाई सके। अलग अलग वीडियोस जोता रहेजो, ज्ञान में वधारो करता रहेजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केर।